विहीन देश का सबसे पुराना संगठन एक ऐसे संकट का सामना कर रहा है जो इस पार्टी को अंदर से खोखला कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। यहां पर हम आपसे बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समक्ष खड़े हुए उस संकट के बारे में जिसने पार्टी की नींव को कई राज्यों में हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2019 में शर्मिला खार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अब अध्यक्ष पद को वो नहीं संभाल सकते क्योंकि अब वो पार्टी में एक बेहतरीन कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहते हैं। अध्यक्ष पद के लिए पार्टी को कोई नया विकल्प तराशना पड़ेगा। यहां कांग्रेस पार्टी राहुल के इस ऐलान के बाद पूरी तरह से बिखर जाती है। चारों दिशाओं से राहुल गांधी पर ये दबाव बनाया जाने लगा कि अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए। चारों दिशाओं से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद करीब 160 पदाधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इन सब ने एक सुर में कहा, हमारा अध्यक्ष कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। राहुल गांधी से बाहर हम कांग्रेस पार्टी को लेकर कुछ नहीं सोच सकते। इन सब के बीच में जब राहुल ने भी अपनी जिद पर अड़े रहे, जब राहुल गांधी भी यहां दबाव में आकर अपना फैसला बदलने के लिए तैयार नहीं हुए, तो मध्य प्रदेश से एक आवाज सुनाई दी। मध्य प्रदेश जहां लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, उसी राज्य से ये आवाज आती है राहुल के इस्तीफे के बाद कि अब राहुल की पद्धति को अगर कोई संभाल सकता है, राहुल की गद्दी पर अगर कोई बैठ सकता है तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों का जिम्मा संभाला था। वहां भी सिंधिया का जादू नहीं चला, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता से सिंधिया का खुमार उतरने के लिए तैयार नहीं था। सिंधिया जिन्हें लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बरकरार है क्योंकि राहुल गांधी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने तमाम पदों से इस्तीफा दिया। सिंधिया के इस्तीफे पर हालांकि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन सिंधिया के इस्तीफा पेश करने के बाद लगातार ये खबर आने लगी कि अब पार्टी के नए अध्यक्ष वही बनेंगे। ये खबर आने लगी कि अब राहुल गांधी की कमी अगर अध्यक्ष पद पर कोई पूरा कर सकते हैं तो वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि जब कांग्रेस पार्टी के ही कई नेताओं से सिंधिया के अध्यक्ष बनने को लेकर अध्यक्ष पद के लिए सिंधिया की काबिलियत पर सवाल किए गए तो उन नेताओं ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें लेकर देश की जनता ये कहती है कि उनके अंदर का जोश कांग्रेस पार्टी की डूबती हुई नैया को आगे लेकर जा सकता है, ना जाने क्यों जब पार्टी के नेताओं से सवाल किया जाता है तो ये नेता खामोश हो जाते हैं। ना जाने क्यों ये नेता सिंधिया के अंदर एक बेहतरीन अध्यक्ष की छवि नहीं देख पाते। खैर, कांग्रेस नेता भले ही सिंधिया के अंदर के इस हुनर को ना देख पा रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के अध्यक्ष बनने पर बड़ा ऐलान किया। सिंधिया की जो काबिलियत उनकी पार्टी नहीं देखना चाहती उसे पहचाना कैलाश विजयवर्गीय ने और एक बड़ा बयान दिया नए अध्यक्ष को लेकर, सिंधिया के अध्यक्ष बनने को लेकर। वो बयान क्या था ये जानने के लिए आपको मिलेगा हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। एक तरफ जहाँ कांग्रेस में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर पार्टी के भीतर मंथन का दौर चल रहा है, जहाँ एक तरफ पार्टी अब तक यही सोचने में लगी है कि आखिर किस नेता के हाथ में अध्यक्ष पद की कमान को सौंपा जाए, आखिर किस नेता को कांग्रेस के नए अध्यक्ष का ताज पहनाया जाए, तो वहीं इन सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है। कैलाश ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की मांग का समर्थन किया है। इस सवाल के जवाब में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, सिंधिया अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक गौरव वाली बात होगी। कैलाश के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी इसे लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया। बता दें आपको, नए राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, जहां मीडिया के कई मुद्दों पर उन्होंने पूछे गए सवालों के जवाब दिए। पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सिंधिया की उम्मीदवारी से जुड़ा सवाल किया। कैलाश ने इसका समर्थन करते हुए कहा कि मेरी शुभकामनाएं सिंधिया जी के साथ हैं कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्योंकि अगर वो बनते हैं
तो पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव वाली बात होगी। बता दें आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्ष बनने को लेकर अब तक पार्टी की ओर से किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आया है। अब तक पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस तरह का कोई भी ऐलान करने से या इस मुद्दे पर अपने मन की बात कहने से साफ तौर पर मना कर दिया है। पार्टी के तमाम नेता इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से फिलहाल अब तक बच ही रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में ये जो सामने आया है कैलाश विजयवर्गीय का बयान, इससे ये बात साफ हो जाती है कि यहाँ खुमार सिर्फ और सिर्फ जनता पर नहीं छाया ज्योतिरादित्य सिंधिया का, बल्कि जनता से हटकर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खुमार छा रखा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ज्योतिरादित्य सिंधिया में एक बेहतरीन अध्यक्ष को देख रहे हैं।